चलो गुड इवनिंग बच्चों लोग, जो हम आज देखेंगे तो क्या है मॉर्निंग सेशन में हम लोग को कंप्लीट क्या है, ऐसे हम हैलोजन कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करेंगे, ये तो मैंने पूरा बता दे। अब क्या है सम एग्जांपल है, नाउ मेरे पास तो है एग्जांपल है, फर्स्ट CH2 CH1 CH2 CH है, इसमें क्या करने का है, इसमें तो ये मेरे पेरेंट चेंज हुए, अब क्या हो गए, ये तो मेरे पेरेंट चेंज हो गई है, ये तो मेरे पेरेंट चेंज, पेरेंट चेंज, वो पेरेंट चेंज किसे ऊपर नीचे, और ये क्या हो गया, वो तो हो गया है मेरा ब्रांच है, वो क्या है ब्रांच है। अब मान लो ये तो मेरा ब्रांच है, मतलब मतलब इसका जो नेम है तो किस काउंटिंग कहां से करना है, तो काउंटिंग बढ़िया से हम पाई बॉन्ड को फर्स्ट ग्रेड प्लस में लाए हैं। अब पाई बॉन्ड है तो 1 है 2 है तो 3 है, किसको ब्रांच है तो 3 कार्बन को ब्रांच है, 3 क्लोरो ब्रांच का नाम क्या हो जाएगा तो क्लोरो हो जाएगा, और रोट वर्ड क्या है रोट वर्ड हो जाएगा प्रोप हो जाएगा, किसको 1 नंबर पाई बॉन्ड सिस्टम है तो 1 नंबर को भी पाई बॉन्ड है तो पाई बॉन्ड है तो यानी लिखने का नहीं तो अदरवाइज इसका नेम ऐसा आएगा 3 क्लोरो 3 क्लोरो प्रोपेन हो गया है, मतलब ई नहीं लिखता हूं मैं तो ई नहीं 1 नहीं तो क्या 1 है ऐसा समझ लीजिए। ऐसा मान लो ये सिस्टम है, अब बढ़िया एक एग्जांपल है सेकंड एग्जांपल, आप इसमें लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्शन करने का है, अब मान लो एक कार्बन मैं ले लूंगा एक कार्बन ले लूंगा तो मुझे इधर आने के बाद 1 कार्बन मिलेगा, इधर आने के बाद 2 कार्बन मिलेगा, तो मेरा तो ये है पेरेंट चेन ऐसा हो गया है, नो डाउट मेरा पेरेंट है, इसका मतलब वो क्या हो गया, वो तो ब्रांच हो गया, ब्रांच हो गया। अब बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है इसमें तो क्या है, इसमें वो बच गया, इसमें जो आया है वो तो सब्स्टिट्यूशन है, वो तो सब्स्टिट्यूशन है, किसमें किससे आ गया, वो मिथाइल ग्रुप था, मिथाइल का 1 हाइड्रोजन हटा कर सीएल आ गए है, इसलिए हम इसको मानेंगे ये तो ब्रांच है, फिर भी वो ब्रांच सिंपल नहीं है, इसको हम मानेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच, इसको हम मानेंगे क्या मानेंगे कॉम्प्लेक्स ब्रांच मानेंगे, कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो वो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है तो कैसा लेना, इसका जो नेम है तो ऑलवेज रिमेम्बर कैसा याद रखना चाहिए, तो इसको हम लिखेंगे वो टर्मिनल से स्टार्ट करने का नहीं, वो टर्मिनल से स्टार्ट करो, टर्मिनल से स्टार्ट करो और इस डायरेक्शन में ऐसा जाने का है, तो फर्स्ट में इस ब्रांच का नेम हो गया क्लोरो मिथाइल हो गया, मतलब मैं इसका नाम इधर लिखता हूं तो क्या हो गया, इसका नाम आ गया तो 1 है इधर भी है 1 2 3 4 5, मतलब क्या हो गया 3 है 3 क्लोरो मिथाइल क्या आ गया पेंटेन हो गया इसका नाम। अब इसमें 1 ही क्या है मिथाइल ग्रुप है तो ऐसा इसमें क्या लिखना चाहिए, वो तो ब्रैकेट में लिखना चाहिए, वो तो क्या है कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, इसको हम मानेंगे ब्रांच है फिर भी वो ब्रांच कैसे है, वो तो कॉम्प्लेक्स ब्रांच है, वो तो क्या है कॉम्प्लेक्स ब्रांच है। अब इसका नाम लिखना चाहिए, इधर क्या है वो तो मेरा पेरेंट चेन है, वो तो मेरा पेरेंट चेन, इस पेरेंट चेन में मैंने कहां से काउंट करना चाहिए तो 1 नंबर कार्बन को पाई बॉन्ड में है एंड क्या क्लोरीन सिस्टम में,
मतलब ब्रांच भी है तो वन रहेगा वो टू रहेगा, मतलब इसका नाम आएगा क्लोरो, क्लोरो मतलब वन क्लोरो लिख लिया तो पीछा लिया, वन क्लोरो इथाइल, वन क्लोरो इथीन आ गया है, ये मेरा कॉम्प्लीट है। अब इन ये तो क्या क्या है, ये मेरा आईयूपीएसी सिस्टम का नेम है। अब मैं इसका नाम लिखता हूं इस ब्लैक से वो आ जाएगा, मतलब बेस लिखता हूं इसका नाम आ जाएगा वो है कॉमन नेम। इस कंपाउंड हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, हम इधर ध्यान दो भाई, इधर क्या है जो कुछ भी हैलोजन फैमिली है वो हैलोजन फैमिली जिस कार्बन को अटैच हो गई है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन याद रखना चाहिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन से sp2 है, इसीलिए इस जो हैलोजन फैमिली है जिस कार्बन को अटैच है उसका तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, तो ये सिस्टम हो गई है। ये सिस्टम कैसी हो गई है, ये सिस्टम विनाइल सिस्टम हो गए, विनाइल सिस्टम है तो विनाइल सिस्टम हो गई है, इस विनाइल सिस्टम का नाम कैसा लिखना चाहिए तो लिख लो विनाइल क्लोराइड, इसमें क्या लिखना चाहिए वो तो विनाइल है और बाद में क्या है हलाइड लिखना चाह लिखना है हलाइड। अब इधर कॉमन नेम में आएगा विनाइल है, इस कार्बन सिस्टम को मैं क्या मानूंगा तो मैं मानूंगा विनाइल है, और इसके बाद हलाइड लिखने का है, हलाइड का नाम क्या है क्लोरो है, मतलब क्या हो गया है क्लोराइड हो गया है, मतलब विनाइल क्लोराइड, ये तो मेरा क्या हो गया है ये मेरा कॉमन नेम है वो याद रखने का कॉमन नेम है। अब मैं इधर अब मैं नीचे आ रहा हूं, मुझे क्या मिल गया ये तो मेरा मैच, ये मेरा क्या है ये तो मेरा पैरेंट चेन, वो जो मेरा क्लोरीन है हैलोजन फैमिली है किस कार्बन को अटैच हो गए इस कार्बन को, इस कार्बन का मुझे सोचना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp2 है, मैं हाइब्रिडाइजेशन कांसेप्ट का वीडियो भी बनाने वाला हूं और मैं इसको मैं आपको बढ़िया तरह से और इसमें डिस्कस करके डालता। अब मान और Cl है, Cl किसको अटैच हो गया है sp3 वाले कार्बन को, इस कार्बन एक कार्बन किसको अटैच हो गया है, ये जो कार्बन है वो Cl किसको अटैच हो गया है CH2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है sp3 है, वो पूरे सिस्टम किसको अटैच हो गई है, पूरे सिस्टम अटैच हो गई है विनाइल सिस्टम को अटैच हो, मतलब सिस्टम अटैच हो, मतलब वो कॉन्जुगेशन सिस्टम है जब पाई बॉन्ड सिस्टम में अटैच हो गई है, ऐसी सिचुएशन जब मेरे सामने आ जाएगी तब मैं बोलूंगा ये कंपाउंड है, ये कंपाउंड का जो नाम है तो मैं कॉमन नाम में डालने वाला हूँ। अब मैं इसको बोलूंगा कॉमन नेम क्या है, कॉमन नेम में क्या आएगा इस कंपाउंड को, मैं बोलूंगा अलील, 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 इस कंपाउंड का जो नेम है वो मैं बोलूंगा अलाइल, मतलब ये क्या हो गया अलाइल, अलाइल, अलाइल सिस्टम हो गई, ये क्या हो गई ये सिस्टम हो गई मेरी, ऐसा नाम है AWLYL अलाइल, अलील सिस्टम हो गए। अब जैसा मैंने लिखा था एलिल क्लोराइड एलिल हलाइड, तो एलिल क्या विनाइल हलाइड है, इधर क्या अलाइल हलाइड लिखना चाहता हूं तो इसका नाम क्या हो गया, तो मैं लिखना चाहता हूं अलाइल, अलाइल ये क्या है क्लोराइड है, अलाइल क्या है क्लोराइड है, वो कॉमन रूप में आ जाएगा।
अब मुझे इसका जो नाम लिखने का है वो तो आईपीसी सिस्टम में लिखा हूं। आईपीसी सिस्टम में क्या है, ये तो मुझे पाइप इसको ऑर्डर मिलना चाहिए, इसको वन पाइप वन को फर्स्ट प्रेफरेंस, इसको टू और इसको क्या मिलना चाहिए, सही मिलना चाहिए। अब मान लो ब्रांच किधर है, थ्री कार्बन टू क्या है ब्रांच, ब्रांच का नाम क्या क्लो है, क्लो है तो इसमें कितने कार्बन है, तो इसमें वन टू थ्री कार्बन है, तो मैं लिख सकता हूँ, तो लिख सकता हूँ इस कार्बन को पाई बॉन्ड सिस्टम है, पाई बॉन्ड को फर्स्ट कार्बन को है, इसलिए मैं फर्स्ट वन नहीं लिखना चाहता हूँ, इसका नाम हो गया थ्री क्लोरो प्रोपीन, थ्री क्लोरो प्रोपीन नाम हो गया ऐसा। अब मान लो मेरे पास जेमिनल कपलिंग है, इसको हम बोलेंगे जेमिनल कपलिंग, तो हम बोलेंगे ये तो आर ग्रुप है और इसमें हैलोजन है और ये भी हैलोजन है, बोथ हैलोजन आर द सिमिलर, ये दोनों हैलोजन है वो क्या बनना चाहिए, इक्वल बनना चाहिए, मतलब सेम बनना चाहिए। इसमें जो हम विनाइल सिस्टम बोलेंगे तो विनाइल सिस्टम में क्या आएगा, मतलब ये हैलोजन है वो हैलोजन है, ये हैलोजन क्या कैसा है, ये हैलोजन मैं ऐसा लिखता हूँ, कार्बन कार्बन है, इधर हाइड्रोजन बस। अब जब सोच लो ये हैलोजन है वो कार्बन से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए, आगे डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया तो वन बॉन्ड हो गया, कितना बॉन्ड हो गया वन, आगे वह कार्बन इस हैलोजन से डायरेक्ट कनेक्ट है तो उसने भी वन बॉन्ड कर दिया, तो टोटल बॉन्ड कितना हो गया वन वन टू, मतलब टू बॉन्ड हो गया, मतलब मुझे इस हैलोजन से निकलने का है, इस हैलोजन से जाने का है और किधर जाने का है, वो दूसरे वाले है हैलोजन के पास रेडी छोड़ने का है, इसमें कितना बॉन्ड चलकर मुझे जाना पड़ेगा, तो इसमें मुझे टू बॉन्ड चला कर जाना पड़ेगा, मुझे इसमें टू बॉन्ड सिस्टम है, मतलब ये जो हैलोजन हैलोजन कपल हो गया है, किस कार्बन को कपल हो गया है, वही कार्बन को कपल हो गया, मतलब जेमिनल कपलिंग में टू इक्वल, इफ टू इक्वल हैलोजन अटैच्ड टू सेम कार्बन को अटैच हो गए। और इसका मतलब जो कपलिंग है, मेरी कपलिंग हो गई है, ये कपलिंग कैसी हो गई है, जेमिनल तो हम बोलेंगे इसको जो कपल हो गया है हैलोजन, तो हम बोलेंगे एक कपलिंग है, वो कपलिंग क्या है, वन टू कपलिंग है, वन टू कपलिंग है, मतलब वन एंड वो क्या है टू बॉन्ड, सेकंड बॉन्ड है, इसलिए वन टू कपलिंग भी हम बोलेंगे। एक कार इस हलाइड से इस हलाइड तक जाने के लिए मुझे टू बॉन्ड जाना पड़ता है, इसलिए मैंने अब बनाया वन और सेकंड बॉन्ड है वन टू कपलिंग है वो कपलिंग। अब इधर देख लो बढ़िया से, अब क्या है इसमें, एक वन कार्बन को सेम हैलोजन अटैच हो गए, ये क्या है वो सेम हैलोजन अटैच हो गए, वो हैलोजन एंड दिस हैलोजन आर द इक्वल हैलोजन, दोनों हैलोजन वन ही कार्बन को अटैच हो गए है, तो मेरे सिस्टम जेमिनल सिस्टम है, जेमिनल कपलिंग है, जेमिनल सिस्टम है, जेमिनल कपलिंग है, कपलिंग वन टू कपलिंग प्रेजेंट है। अब देख लो इधर तो वन बॉन्ड है और ये बॉन्ड टू है, मतलब वन टू कपलिंग प्रेजेंट है, मतलब वन टू कपलिंग प्रेजेंट है, इसीलिए उसका जो नेम है, तो मैं सबसे आपको बताने वाला हूँ आईपीसी सिस्टम में वन है तो टू है, मतलब क्या हो गया वन कॉमा वन डाइक्लोइथेन हो गया है, ये तो आईपीसी नॉमिनेशन है।
इसका जो कॉमन नेम है, इसका जो कॉमन नेम है, उस कॉमन नेम से मुझे क्या सोचना चाहिए है? एक ही कार्बन से, वन कार्बन से, ये क्या है? ये तो इथाइल ग्रुप है, मतलब वो तो इथाइल है, इथाइल। अब इसमें वन कार्बन के टू हाइड्रोजन लोग रिप्लेस कर दिए, वन कार्बन के टू हाइड्रोजन हटाकर मैंने टू हेलोजन ग्रुप अटैच कर दिए, और भी टू हेलोजन ग्रुप सेम है, इसीलिए मैं बोलता हूं, इसलिए मैं कहलाता हूं इथिली डाई, इथिली मैं ऐसा बोलता हूं इसको, मेरा तो नाम है, वो नाम है इथाई, मेरा नाम क्या है इथाई, इथ इथ और आई लगाने का, और ये क्या है डाई बोलने का, डाई मतलब इथिलीडीन डाई, इथिली डाइन, ये क्या है तो क्लोरीन है, तो क्लोराइन हो गया। एक बार मैं और कैसे बता दू, जब मेरे पास वन ही कार्बन पे टू हाइड्रोजन रिप्लेस कर दी, बाद में मैंने उसको दो सेम हेलोजन फैमिली ग्रुप मेंबर के एटम जोड़ दिए, इसीलिए उसका वन हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया, मतलब मान लो इथेन है, इथेन में का स्ट्रक्चर क्या है, CH3 CH3 है, मतलब क्या हो गया CH3 CH2, मैंने एक अटैच हटा दिया, और वो क्या हो गया इथाइल हो गया, मतलब मेरा तो क्या हो गया CH3 CH, हाँ एक हटा दिया तो इसका नाम हो गया इथेली डाय, मतलब क्या है डाय, डाइन मतलब इसका नाम क्या लिखने का, डाइनिक लिखने का, इसका ऐसा नाम लिखने का, ये तो कॉमन है, इसका ऐसा नाम लिखने का, ये तो कॉमन है, मतलब मैं इथिली डाइन लिख दिया, और इसके आगे कौन है वो क्या है क्लोराइड, मतलब कॉमन नेम है ऐसा लिखने से वो क्लोराइड है, ये मेरा क्या है, ये तो मेरा कॉमन नेम है, वो क्या हो गया कॉमन नेम हो गया। ठीक, अब इसके बारे में सोचो, अब बढ़िया से हम इसके बारे में सोचो, अब मेरा तो ये क्या हो गया, ये तो मेरे IUPAC सिस्टम हो गया, इसका तो पैरेंट चेन सिलेक्शन कर दिया, इसके बाद में मुझे करना पड़ता है काउंटिंग नंबर, इधर से आ जाओ इधर जाओ, तो फिर सेम ब्रांच मिल गई मुझे, इधर से आने सेम ब्रांच मिल गए, इसका मतलब मुझे ब्रांच कितना है, टू ब्रांच है, टू ब्रांच है, टू कॉमा टू, कितना ब्रांच है, सेम ब्रांच है, कितने टू, इसलिए मैं डाय लगाता हूँ, ब्रांच का नाम क्या है, ब्रांच का नाम है ब्रोमो, और पैरेंट वर्ड क्या है, प्रोब, पैरेंट वर्ड क्या है, प्रोब, प्रोब, और कुछ पाई बॉन्ड से स्थित नहीं है, इसलिए हमने लिखना चाहता हूँ प्रोपेन, अब नॉन, अब मान लो इसका जो नेम है कॉमन नेम, कॉमन नेम मैं अलवे इस पेन से लिख रहा हूं रेड से, तो कॉमन नेम में क्या है, मान लो ये 1 2 3 कॉमन नेम में क्या करना पड़ता है, बढ़िया से अब ध्यान में आना चाहिए, तो कॉमन नेम में जितने भी कार्बन है वो सब काम करेंगे, इसमें कितने कार्बन है, थ्री कार्बन, थ्री कार्बन है तो मैं क्या बोलने वाला हूं, तो अभी इस मिडल कार्बन के कुछ कितने मैंने टू हाइड्रोजन हटाकर क्या लगाया है, इसमें मैंने टू कार्बन को ऐसा क्या कर दिया है, तो मान लो प्रोप, ठीक है, हाँ भी मैंने टू हाइड्रोजन हटा दिया तो मैंने क्या लिखना चाहिए, तो मैंने लिखना चाहिए प्रोपे ली डाई एन ई, हाँ इसमें किसको अटैच कर दिया है, इसको मैंने तो ब्रोमीन को, मतलब ब्रोमाइड हो गया, ब्रो 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 माइड हो गया, और इसमें एंड इसमें कुछ डिफरेंस है भाई, है इसमें
जो कुछ भी सिमिलर हैलोजन फैमिली मेंबर अटैच हो गए हैं, इधर क्लोरीन अटैच हो गए, फिर भी वो टर्मिनल कार्बन से जुड़ गए, इसीलिए हमने वन नहीं लिखना चाहता। अरे इधर तो ऐसा नहीं, इधर क्या है, इधर तो एक कार्बन इस पोजीशन पर है, एक कार्बन मिडल पोजीशन पर है, जब हम कॉमन नेम से नेम लिखना चाहता हूँ उस टाइम उस कार्बन का मुझे क्या करना चाहिए, वो पोजीशन लिखना चाहिए, उस पोजीशन क्या होगे कॉमन में आइसो आइसोप्रोपिली डाइब्रोमाइड हो गया है, आइसोप्रोपिली डाइब्रोमाइड हो गया। अब इसका नाम अब ए, सब आपके ध्यान में आ रहा है तो इजी हो जाए। इसमें क्या है, वो तो क्या हैलोजन फैमिली मेंबर है, और एक क्या हो गए, एक ब्रांच हो गए, एक तो क्या है वो पैरेंट चेन है, वो क्या हो गए ब्रांच है, ब्रांच क्या है सिमिलर है, किस कार्बन से जुड़े, एक टर्मिनल कार्बन से जुड़े, वन कार्बन से जुड़े, इसलिए हम जमीना कपलिंग बोलेंगे, इसको हम इधर से उधर चला गए तो हम वन टू कपलिंग बोलेंगे, ठीक है सर। अब इसका जो आई पी सी नॉमिनेशन हम लिखेंगे इसको, इस कार्बन को हम वन बोलेंगे, क्यों बोलेंगे, मोर ब्रांच आर सब्स्टिट्यूशन, मोर सब्स्टिट्यूशन इन फर्स्ट कार्बन, इट इज फर्स्ट प्रेफरेंस, वन टू एंड थ्री, मतलब क्या हो गया, हो गया ग्रुप ग्रुप, और इसलिए सबसे पहले मुझे ब्रांच लिखना पड़ता है वन कॉमा वन, डाई क्या हो गया क्लोरो हो गया, और क्या हो गया ये कितने कार्बन है, थ्री कार्बन है, तो प्रोपेन हो गया है, इसमें कुछ भी डाउट नहीं। अब मुझे राइट करने का है तो कॉमन कॉमन नेम कैसा लिखना चाहता हूं, वो तो कॉमन नेम देख। अब मुझे कितने कार्बन है, थ्री कार्बन, कॉमन नेम ने कॉमन नेम जो मैं जब भी लिखता हूं उस टाइम में सब कार्बन काउंट करना पड़ता है, उसी टाइम में मुझे थ्री कार्बन मिल गए तो मैं बोल रहा हूं ग्रुप बोल रहा हूं, और इसका जो है तो मैं बोलने वाला हूं प्रोपेली डाईईएनई, और इसका जो नेम है तो नेम क्या है क्लो है, क्लोराइड है, क्लोरीन है, क्लोराइड लिखने का। अब इसका जो प्रीफिक्स लिखने की कोई जरूरत नहीं, इधर तो टर्मिनल पोजीशन है, वो नहीं लिखना चाहिए, वो मेरा कॉमन नेम बन गया। अब मैं किस इस डायरेक्शन को जा रहा हूं, अब मान लो मिनाइल कपलिंग, मतलब आर क्या है सी एक्स ऐसा है, मतलब जो कुछ भी इक्वल हैलोजन है वो तो सक्सेसिवली कार्बन बाइटेक्स होना चाहिए, इक्वल हैलोजन मतलब इक्वल मीन्स सेम हैलोजन, सेम इक्वल, इक्वल ऐसा गलत वर्ड है तो मतलब इक्वल मीन्स नॉट अ डिफरेंट, मत इसीलिए मैं लिखता हूं सेम सेम। इधर भी मैं क्या लिख रहा हूं, लिख रहा हूं इधर ऐसा मान लो सेम हैलोजन 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 अटैच attached to successive carbon to attach to successively carbon, तो हम बोलेंगे वो coupling का जो type है उस type को हम ऐसे बोलेंगे, तो one bond है और टू बॉन्ड है और थ्री बॉन्ड है, जो कार्बन जिस बॉन्ड से कनेक्ट हो गया उसका नाम लिखना चाहिए वन, और जो हैलोजन है वो जिस कार्बन से कनेक्ट हो गया है उसका नाम लिखना है थ्री है, मतलब वो हैलोजन कैसा कनेक्ट होना चाहिए, तो सक्सेसिवली कनेक्ट होना चाहिए, सक्सेसिव इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कपलिंग, जो कपलिंग है, जो कपलिंग है किसकी कपलिंग है, तो कार्बन की कपलिंग और हैलोजन की कपलिंग है,
कानून के साथ हो गए, इसमें क्या आना चाहिए? वन ट्री बॉन्डिंग आना चाहिए, इसीलिए हम उसको बोलेंगे वन ट्री कपलिंग। इसको हम बोलेंगे वन ट्री कपलिंग। अब इसका जो कॉमन है, कॉमन नेम क्या, अभी इसका जो नेम लिखने का तो ऐसा लिखना, इसका जो नेम है तो मैं क्या बोलने वाला हूं। अब इसका जो पेरेंट वर्ड है तो चॉइस कर दे, बोलो वन कार्बन है टू कार्बन, मतलब क्या हो गया, वन कॉमा वन क्या हो गया, डाई हो गया, क्लोरो हो गया, डाई क्लोरो क्या हो गया है, इथेन हो गया है, इथेन हो गया है। अभी बड़े मैजिक की बात है तो क्या है इधर, अभी मान लो इस कार्बन का वन हाइड्रोजन मैंने रिप्लेस कर दिया है और इस कार्बन का वन हाइड्रोजन रिप्लेस करके मैंने सीएल अटैच कर दिया, मतलब हैलोजन फैमिली अटैच कर दिया, उधर का हैलोजन फैमिली अटैच कर दिया, इसीलिए इसका जो कॉमन नेम बन जाएगा तो कॉमन नेम कैसा हो जाएगा, तो कॉमन नेम मतलब ऐसा कॉमन नेम आने वाला है, कॉमन नेम हो जाएगा मतलब कॉमन नेम सी, कॉमन नेम सी ओ एम, कॉमन नेम क्या हो गया, मतलब एक इतना है टू कार्बन, मतलब क्या हो गया इथ, इसका जो लिखना है इथिलीन लिखना है, मतलब इथिलीन, इथिलीन लिखना है, इथाइल हम लिखते थे, फिर मैंने उसको ई एन ई, जब मेरे पास मनी कार्बन था एटम में, मैं उस टाइम क्या लिखना लिखता था, एल आई डी आई एक लगा। अब इथिलीन कितने हो गए, वो कार्बन कितने, तो इसीलिए मैं क्या बताना चाहता हूं, डाय क्लोराइड बताना चाहता हूं, डाय क्लोराइड। इधर कुछ ऐसा जर्नलिंग है, मुझे लग रहा है इधर तो करेक्ट कर दो, इसका नाम है प्रोपेलिडिन डाय क्लोराइड, डाय लिखना चाहिए भाई, और इधर है आईएसओ प्रोपेलिडिन डायब्रोमाइड, डायब्रोमाइड। अभी किधर मिस्टेक नहीं, अब इसका जो मैंने करेक्ट लिखा है, अब इसके बारे में मैं सोचता हूं, इसका जो नाम है वन टू थ्री, अभी ये तो मेरे पेरेंट चेंज हुए, इसका नाम लिख रहा हूं मैं वन कॉमा टू डैश डाय क्लोरो, डाय क्लोरो क्या हो गया है, थी है तो प्रोपेन हो गया है। अब इसका आईपीसी सिस्टम वो तो विसिनल कपलिंग है, वन थ्री कपलिंग है, मान लो वन टू एंड थ्री, वो क्लोरीन किस कार्बन से, इस कार्बन से जुड़ा है वन बॉन्ड, और इधर आने के मुझे थ्री बॉन्ड मिलना चाहिए, और इसका ये कार्बन एंड क्लोरीन का बॉन्डिंग कितना है थ्री, इसलिए हम बोलेंगे विसिनल कपलिंग। विसिनल कपलिंग क्या होती है, वन थ्री बॉन्डिंग होती है। इसका जो कॉमन नेम है, कॉमन नेम क्या आने वाला है, तो कॉमन नेम आने वाला है प्रोपाइलीन डाय, प्रोपाइलीन डाय क्या है, क्लोराइड, क्लोराइड है, प्रोपाइलीन डाय क्लोराइड उसका कॉमन नेम। अब इसका बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, आप बताओ इसमें ए विसिनल कपलिंग है क्या, नहीं है, और जेमिनल कपलिंग है क्या, नहीं है, इसमें सेम हैलोजन फैमिली नहीं है, सेम ग्रुप नहीं, वो तो डिफरेंट ग्रुप है, इसीलिए मैं इसको क्या सोचने लगता हूं। अब मैं, मेरा तो काउंटिंग ऑर्डर ए रहेगा, काउंटिंग ऑर्डर ए रहेगा, उसका मैं लिखना चाहता हूं आईपीसी नेम, आईपीसी में किसका नंबर आएगा, वन वन ब्लो, मतलब मेरा आ जाएगा ब्रोमो ब्रोमो क्लोरो, ब्रोमो क्लो, ब्रोमो क्लोरो प्रोपेन आएगा,
मतलब वन वन क्वेश्चन नहीं लिख दी तो चलेगा, नहीं तो मैं क्या लिख सकता हूं, वन कॉमा वन डैश ब्रोमो ब्रोमो क्लोरो, क्या लिखना चाहता हूं, प्रोपेन लिखना चाहता हूं। अब मन इसमें क्या है, इसमें कौन सी सिस्टम प्रेजेंट है, इधर तो जर्मिनल कपलिंग भी नहीं, एक ही कार्बन होना चाहिए, वो भी नहीं, वेशनल कपलिंग है क्या, वेशनल कपलिंग है नहीं, वो तो बीच में सक्सेसिव कार्बन को नहीं, इसका जो कपलिंग हम देखेंगे तो कैसा मिलेगा, तो वन है टू है थ्री है फोर, वन फोर कपलिंग, वन थ्री कपलिंग अलाउड है, मतलब वेशनल कंपाउंड है। इसका नाम लिखना है, इसका नाम क्या है, इसका नाम मैं लिख रहा हूं, क्या नाम लिखना चाहिए, इसका नाम है तो क्या नाम है, मैं आयु बेस में लिख रहा हूं, इधर से काउंट करना चाहिए, वन टू थ्री मतलब वन कॉमा थ्री, मतलब क्या हो गया, वन कॉमा थ्री डाइक्लोरो क्या हो गया, ब्यूटेन हो गया, डाइक्लोरो ब्यूटेन हो गया। इसका जो कॉमन नेम है तो क्या कॉमन नेम क्या आएगा, ब्यूटाइल 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 क्या आएगा, ब्यूटाइल वन क्या है, वन वन थ्री डाइक्लोराइड आएगा, वन थ्री डाइक्लोराइड, वन थ्री डाइक्लोराइड। अब मुझे किसके बारे में सोचने का है, तो मुझे इस कंपाउंड के बारे में सोचने का है। अब मन ये तो मेरा आइसोमर है, मतलब इसका मैं तीसरा कंपाउंड लिख सकता हूं, सी 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 सी, और कितने क्लोरीन है, वन, तो मैं टर्मिनल को रखता हूं, तो मेरे पास तो कंपाउंड है वह थ्री है, वह टू है, फाइव हो गए, वह टू है, सेवन हो गया, वह टू है, वह नाइन, मतलब राइट स्ट्रक्चर, उसका नेम लिखना है। इसमें कोई बैच अभी इसका नाम हो गया है, तो नाम हो गया क्लोरो ब्यूटेन, नाम हो गया है क्लोरोब्यूटेन। अब इसका जो कॉमन नेम आने वाला है, तो कॉमन नेम क्या आने वाला है, कॉमन नेम हो जाएगा एन एन ब्यूटाइल, एन ब्यूटाइल क्लोराइड, एन ब्यूटाइल क्लोराइड। अब सर एन ब्यूटाइल क्यों लिखा, इसमें ऐसा हम इंडिकेट कर सकते हैं, अब ये प्योर क्या है, तो ओपन चेन, ओपन चेन है, कोई ब्रांच नहीं है, तो मैं एन ब्यूटाइल क्लोराइड लिख सकता हूं, तो मुझे क्या है, क्या हो सकता है, सेकंड आइसोमर क्या है, कार्बन कार्बन कार्बन, मान लो ऐसा है, और इसमें क्या है, तो इसमें मेरे पास का एक सेकंड पोजीशन तो सीएल है, मतलब CH3 है, CH2 है, CH है, CH3 है, इसका जो आयन पेशी नेम है मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, तो क्या हो गया, मेरा नाम आ गया है इसका, तो टू क्लो ब्यूटेन आ गया है, टू क्लो ब्यूटेन। अब इसका कॉमन नेम सोचने का, कॉमन नेम क्या है, वो वन है, टू है, थ्री है, तो मतलब टू पोजिशन तो है, मतलब मैं इसका नाम सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड लिख सकता हूं, ये मेरा सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड, ठीक, सेकेंडरी ब्यूटाइल क्लोराइड। अब मान लो ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, CH3 है, CH2 है, इसमें CH3 है, इसमें CH2 है, और CH2। अब इसका क्या हो सकता है, मान लो इसमें जो मुझे क्या करना चाहिए, तो पैरेंट चेन सिलेक्शन करना चाहिए, वो पैरेंट चेन सिलेक्शन कर दे तो मेरा तो ऐसा बन गया, तो ये क्या है, हो गया वन टू थ्री, वो करेक्ट है, इसका जो आई पिछले में इंग्लिश में फर्स्ट राइट करता हूं, वो भी ब्रांच है, वो भी ब्रांच मिल गई, मतलब जब वन क्या हो गया, क्लोरो मिल गया एंड कोमा,
टूका मिल गया, मिथाइल मिल गया और क्या है ये तो प्रोपेन मिल गया है। उसका मुझे क्या लिखना है कॉमन नेम, उसका क्या लिखना है कॉमन नेम लिखना है। कॉमन नेम क्या है मल, इसमें जब मैं कॉमन नेम के बारे में सोचता हूँ उस टाइम में मुझे सब कार्बन काउंट करना पड़ता है। उसमें अब एजो मिथाइल ग्रुप है वो टू पोजिशन पर अटैच है, इसलिए हम बोलेंगे आइसो। हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे आइसो बोलेंगे। और ये पूरे कार्य सिस्टम में कितने कार्बन इंक्लूड है, तो इसमें बहुत कार्बन है तो मैं ब्यूट लिखता हूँ, और इसमें क्या है सीएल अटैच है तो ब्यूटाइल लिखता हूँ, तो सीएल है, सीएल का नाम क्या है क्लोराइड है, वो ऐसा नाम, वो ऐसा